जान चमन शोला बदन पहलू में। दोस्तों, नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और लाजवाब अदाकारा थी। जाओ जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहचान बदल ली थी। छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। और हीरोइन बन गई थी। नंदा ने फिल्म जब जब फूल के लिए, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के चलते नंदा के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला कर लिया। और हीरोइन बन गई। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाई। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। सन 1959 में राजेंद्र कुमार के साथ उनकी पहली फिल्म ढोल का भोल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नंदा ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की। उन्होंने उनके साथ चार दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ आदि फिल्में की। लेकिन शशि कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्में देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। ये समा, समा है ये प्यार का। नाजुक छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने निगेटिव किरदार निभाया था। लेकिन दर्शक उनका ये रूप स्वीकार नहीं कर सके। नंदा को समझ आ गया था कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने असलियत, जुर्म और सजा और प्राशित जैसी फिल्में की। लेकिन नंदा का समय खत्म हो चुका था। इसका एहसास उन्हें हो चुका था। कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने। इसलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रुपेले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया था। ये समा, समा है खुमार का। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। चली, चली रे पतंग। पर्सनल लाइफ की बात करें तो नंदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बे इंतहा मोहब्बत करती थी। चली बादलों के पार होके गोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। देसाई भी उन्हें चाहते थे। रंग मेरे पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी। लेकिन बेहद शर्मिली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका नहीं दिया। बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे। और मनमोहन ने भी शादी कर ली। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे।
मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरे में खो गई। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल भी कर लिया। उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई थी। दोनों कभी भी शादी नहीं कर पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री नंदा कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।